असलकंडू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 24, अगर आप लोगों ने पुरानी 20 आ जाए क्लास नंबर 25, अगर आप लोगों ने पुरानी 24 क्लासेस नहीं देख रखी तो जाकर देख लो। अगर आप लोग सीरीज़ वाइज सारी क्लासेज देख रहे हो तो आप लोग को क्लास देखते देखते पता लग रहा होगा कि आप लोग को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप याद हो रही है, क्योंकि मेरी हर क्लास का यही मोटिव रहता है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, भले ही क्लास अभी मैं छोटी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास ही लेकर आ रहा हूँ। तो भले ही ये आपकी क्लासेस छोटी हो, 9 या 10 मिनट की क्लासेस हो, बट जितने भी कैंडिडेट्स ये वाली क्लासेस देख रहे हैं, आई एम डैम श्योर उनको हाथों हाथ सारी चीज़ें याद हो रही होगी, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से रिवाइज करवाता हुआ चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे, बट उससे पहले जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी है, तो उसका राइट आंसर था रिया सिंघा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसका सही आंसर दिया, बट ये मिस वर्ल्ड नहीं है, मिस यूनिवर्स इंडिया है, ठीक है। तो जोगीराज ने सही आंसर दिया, यंग बडीज़ ने सही आंसर दिया, छिंदरपाल सिंह ने सही आंसर दिया, रिया सिंघा जो कि 19 साल की है और गुजरात से है, इन्होंने ग्रैंड फिनाले जो जयपुर में हुआ था वहाँ पर इन्होंने जीता है, और ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बन चुकी है। और इसके अलावा गिफ्ट बॉक्स ने भी सही आंसर दिया है, रिहा फ्रॉम गुजरात, और इन्होंने पूछा था मैथ्स की क्लास लेकर आओ। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैथ्स की क्लास 1 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। एंड इसके अलावा इन्होंने पूछा कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नवंबर तक आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर मंथ में। और राहुल कुमार ने भी सही आंसर दिया। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, यहाँ पे बात हो रही है चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग, तो जाके डाउनलोड कर लो। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बुक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2024। तो आज की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो पहली न्यूज़ आई है वो आपकी त्रिपुरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है सीएम साथ स्कीम। कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने और आपको बताना है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अलावा अगर स्कीम हमारी न्यूज़ में है, तो जितनी भी स्कीम्स हम लोगों ने पहले पढ़ ली वो मैं आपको सारी रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक उड़ीसा ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है सुभद्रा स्कीम, आप लोग को याद होगा, और दो या तीन बार मैं आपको ये रिवाइज भी करवा चुका हूँ। और ये जो सुभद्रा स्कीम है, ये आपकी वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जो कि उड़ीसा ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मध्य प्रदेश ने AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च की थी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने एक अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिल लॉन्च किया था, वेस्ट बंगाल में जो कांड हुआ था उसके बाद। इसके अलावा महाराष्ट्र ने 2 नई स्कीम लॉन्च की थी, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और माझी लड़की बहन योजना। तो ये सारी स्कीम्स हमारी रिवाइज होगी, और एक नई स्कीम आज लॉन्च की गई है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका नाम है CM7 स्कीम। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो क्लियर है, बिल्कुल याद हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म है, सिंपल सी फुल फॉर्म है, सभी कैंडिडेट्स को पता होगा। DRDO और IIT दिल्ली, इन दोनों ने मिलके एक डेवलप किया है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपको पता होगा, जहाँ पे बुलेट लगती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक तरीके से प्रोटेक्शन है। और इन लोगों का कहना है कि ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन है, मतलब गोली 360 डिग्री कहीं से भी आ जाए, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, और ये लाइट वेट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो इन्होंने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर लॉन्च किया, और इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है अभेद, जिसको कोई भेद नहीं सकता। तो अभेद इसका नाम है, DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर लॉन्च किया है, और ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब दिल्ली न्यूज़ में है, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लाइक दिल्ली की नई CM बनाई गई है अतिशी मरलेना, ये आपकी तीसरी वुमेन है, सेकंड थी सुषमा स्वराज और पहली बनी थी शीला दीक्षित। इसके अलावा दिल्ली के जो गवर्नर है वो भी आप लोग को याद रखना है, विनय
कुमार सक्सेना दिल्ली के नए गवर्नर है, ठीक है। तो सीएम और गवर्नर दोनों याद रखने हैं। थर्ड वुमेन है ये भी याद रखना है, सेकंड वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी ये भी याद रखना है। एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनेशन ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, बट आगे जो आपकी वैकेंसीज आने वाली है क्लर्क और स्टेनोग्राफर की, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, तो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें कवर करवा दूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को आगे के एग्जाम में भी काम आए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च किया गया, मतलब पूरे एशिया में किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तो सबसे ज़्यादा पावर है US, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है इंडिया। तो एशिया पावर इंडेक्स में हमारा प्यारा भारत थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर आता है। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च किया गया जिसमें भारत का स्थान तीसरा है, सेकंड नंबर पे चाइना रहेगा और फर्स्ट नंबर पे रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंडेक्स अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए थे सितंबर के महीने में, उसको भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक स्टेट फूड इंडेक्स लॉन्च किया गया था और इसमें केरला ने टॉप किया था। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था, इसमें सूरत ने टॉप किया था। तो ये इंडेक्स मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ें और रिवाइज कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर देखो मैं ना आपको कुछ चीज़ें और रिवाइज करवा देता हूँ। अब ध्यान से सुनना क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मेरे पास, तो मैं आपको पुरानी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट कंट्री जिसको WHO वेरिफिकेशन अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इसे क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, इसको एल्यूमिनेट कर दिया, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उस कंट्री का नाम बताना है। वो कंट्री है आपकी जॉर्डन। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये ना लगे कि वीडियो बहुत छोटी थी। तो पहली कंट्री जिसको WHO वेरिफिकेशन अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग को ख़त्म कर दिया, उस कंट्री का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, यहाँ पर करेंसी चलती है दिनार, ठीक है। मैंने आपको पहले वहाँ पे डॉलर बताई थी बट डॉलर गलत है, दिनार है, ठीक है। इसके अलावा एक नया इंडेक्स जारी किया गया था या फिर एक नई रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी केसेस, एट्रोसिटी केसेस मतलब सबसे ज़्यादा अत्याचार के केसेस कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है इंडिया में, जो कि आपके दलित पर होते हैं। तो ये जो रिपोर्ट जारी की थी तो इसमें जो टॉप है वो है UP, राजस्थान और MP, ठीक है। UP, राजस्थान और MP इस लिस्ट में जारी की गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है दलित पर। इसके अलावा अगर यूपी हमारा न्यूज़ में है तो यूपी में सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस हुई थी और यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा MP न्यूज़ में था तो MP से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, MP में छठा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, मतलब इनोग्रेशन हो चुका है और इसका नाम है रीवा एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा MP से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, MP में एक नई वृंदावन स्कीम लॉन्च की गई है। एक स्कीम अभी हमने पढ़ी AIF स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम भी MP ने लॉन्च की है। इसके अलावा दलित न्यूज़ में था तो दलित से रिलेटेड हम लोग एक और रिवाइज़ कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड के नए CEO बनाए गए हैं और वो कौन से बनाए गए हैं, वो है आपके सतीश कुमार, ये आपके पहले दलित CEO बनाए गए हैं, तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा दिल्ली ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली में उससे लड़ सके, ठीक है, एयर पोल्यूशन को कम कर सके। तो इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, ठीक है, डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया दिल्ली में। इसके अलावा एक कमेटी बनाई थी गई थी एक्सपर्ट की कमेटी ताकि जो आयुष्मान भारत का पैकेज है, गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत, उसके पैकेज के रेट को डिस्कस कर सके। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी और इसके हेड है VK पोल, क्लियर है। इसके अलावा एक और कमेटी बनाई गई थी जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई थी, इसके हेड बनाए गए थे जस्टिस नवाब सिंह। इसके अलावा लॉ कमीशन के रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी इसके हेड थे जस्टिस राज अवस्थी। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी, इसके हेड बनाए गए थे अजय त्यागी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक कमेटी और पढ़ लेते हैं जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक सेंटर ने कमेटी बनाई थी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, जो कि आपका मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होता है, उसके रिलेटेड रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड बनाए गए थे भारत खेरा।
तो ये आप लोग को याद रखना है। आई होप काफ़ी चीज़ें आप लोग की रिवाइज होगी और ऐसी आप लोग रिवाइज करते चलना और एक तारीख से आपकी बहुत अच्छी और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी तो जाके बुक डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट जाके आप लोग देख सकते हो।